जौहर और साका प्रथा का ताल्लुक भारत के राजस्थान राज्य से जुड़ा हुआ है। इतिहास में लिखी गई कई किताबों में जौहर एवं साका का जिक्र मिलता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने YouTube चैनल दीपावली की इस वीडियो में आपको जौहर और साका क्या है और ये क्यों किया जाता है बताने जा रहे हैं। अब आपको इस पर निर्णय लेना है कि जौहर एक वीरता की निशानी है या कायरता की। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें। जौहर महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस प्रथा में महिलाएं दुश्मनों से अपनी इज्जत और स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए शादी के वस्त्र पहनकर खुद को आग के कुंड में डाल देती है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इस प्रथा में बच्चे भी भाग लेते थे। साका जौहर के बाद किया जाता है। साका उन मर्दों द्वारा किया जाता है जिनकी पत्नियों ने अपने प्राणों का बलिदान जौहर देकर किया। साका में सारे मर्द केसरिया पगड़ी पहनकर और माथे पर जौहर की राख लगाकर युद्ध करने वीर गति को जाते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि जौहर और साका क्यों किया जाता है। जब युद्ध में ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपका हारना निश्चित है और हारने के बाद आपको ये भी पता हो जीतने वाला आपका राज्य का सारा धन लूटकर और महिलाओं का शोषण कर चले जाने वाला है, तब हार कर भी जीतने के इस रणनीति को जौहर और साका कहा जाता है। जब आपको पता हो कि आपका शत्रु आप पर सिर्फ धन और महिलाओं के लिए आक्रमण कर रहा है और जीतने के बाद कुछ भी ना मिले तो ये शत्रु की भी हार है। जौहर को रात में ही किया जाता था। इसका कारण ये था कि शत्रु को पता चल जाए कि कल साका होने वाला है। जौहर की हुई महिलाओं के सैनिकों का सिर्फ एक ही उद्देश्य रह जाता है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा शत्रुओं को मारकर खुद वीर गति को प्राप्त हुए। उन्हें पता था कि अब उनका सारा परिवार खत्म हो गया है और अब उन्हें जीवन जीने से कोई मोह नहीं रह गया है। साका सहने वाले विरोधी पक्ष भी घबराए हुए रहता है क्योंकि उसको पता है कि सामने से आने वाला सैनिक अपने मृत्यु का साफा पहन कर आ रहा है। अब हम आपको जौहर और सती के बीच का अंतर बताने जा रही हैं। सती तब की जाती थी जब उसका पति का निधन हो जाता था, परंतु जौहर करने वाली महिलाओं के पति जौहर करते वक्त जिंदा रहते हैं। मित्रों, अब हमने आपको जौहर, साका और सती के बारे में सब कुछ बता दिया है। अब हमारा आपसे अनुरोध है कि कृपया कमेंट करके बताएं कि जौहर कायरता की निशानी है या वीरता का प्रमाण, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जौहर का उद्देश्य शत्रु को किसी भी हालत में जीत ना देने का फैसला है। और हमारा ये भी मानना है कि जौहर वीरता, प्रेम और त्याग का एक अद्भुत पूर्व उदाहरण है। हम आपसे ये भी अनुरोध करते हैं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिसे हमारे भारत की वीरता की कहानी बच्चे बच्चे को पता हो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारा वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दीपावली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।